मेरा नाम अमर सिंह ठाकुर है। अमर सिंह जी, बताएंगे आज ओमपुर स्टेडियम में बाजार लगा है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और आप लोगों को सूचना किस तरह से मिली यहाँ पे कि नहीं मिली, तो उसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में सूचना के बारे में बोलना चाहूँगा कि स्टेडियम में बाजार लगने वाला है बोल के अपने को मालूम नहीं था, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को यहाँ रजगावार में किसी को बहुत लोगों को ही कम लोगों को ही मालूम है होगा, वह सारे जानकारी नहीं मिला है। आज मेरे सुबह ही पता चला पड़ोसी के माध्यम से कि यहाँ मार्केट लगा हुआ है, तो इसका जानकारी नहीं था। और यहाँ के व्यवस्थापक के बोलेंगे तो यहाँ जगह तो पर्याप्त है मार्केट के लिए, तो बहुत अच्छी जगह है, अभी जो स्थिति चल रहा है उसके लिए स्पेस है जिसमें भीड़ भाड़ ज़्यादातर नहीं हो पाएगा यहाँ। और व्यवस्था के लिए बोलेंगे सर तो इसमें व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पे जो सब्जी बेच रहे हैं उनके द्वारा क्या व्यवस्था की गई उसके बारे में बताएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि क्या लगता है आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। पटेल जी, ये बताइए यहाँ पे आप लोग ओमपुर के स्टेडियम में दुकान लगाए हैं, पहले ओमपुर बैंक के पास लगाते थे, किन कारणों से यहाँ पे लगा रहे हैं बाजार और क्या क्या सुविधा इसके बारे में बताएंगे। सुविधा तो यहाँ कुछ नहीं है सर, पानी वानी दिक्कत है, धूप में बैठे हैं, सुविधा के लिए कुछ नहीं है। हम अपने को पता भी नहीं था बाजार लगा है, हम लोग ओमपुर बाजार पहले गए थे, वहाँ जैसे नहीं दिखा ना तो हम लोग इधर से आए बड़े गाड़ी में, यहाँ दिखा तो हम लोग लगाए बाजार यहाँ। आप लोगों को कौन बताया कि ओमपुर स्टेडियम में बाजार लग रहा है? मेरे को बताया कोई नहीं था, मैं इधर से आया ना गाड़ी लेकर, बाजार लगा तो मैं लगाया। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह की व्यवस्था की है बाजार में? व्यवस्था एक लड़का रखे हैं अपन लोग, वो सब ग्राहक लोग को दे रहे हैं, छाटने वाटने हम लोग दे नहीं रहे, अपने हाथ से दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे बाजार जो लग रहा है वो लगना चाहिए कि वापस उसी जगह लगना चाहिए? बाजार तो सर यहाँ पर लगना नहीं चाहिए, वहीं पर लगना चाहिए, बाहर का आदमी नहीं आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ उसके लिए काफ़ी है, बाड़ी वाड़ी सभी सुविधा है यहाँ, वैसे कोई चीज़ की कमी है ही नहीं है।